ये अपना HFCL का UBR खुल गया है, देखिए ये चेंज हो रहा है। हमने का दो घंटा वेट किया लेकिन पानी छूटा ही नहीं, तो भिंगते भिंगते निकल चुके हैं। बहुत सारा बाइक है, उन्हें बाइक चला देखिए UBR का सारी बना लिए हैं माता पे अभी। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आपका फिर से एक न्यू व्लॉग में। तो दोस्तों अभी हम जा रहे हैं ड्यूटी, एक OAC टावर है जिसमें UBR फॉल्टी है, तो आज UBR चेंज करेंगे और उसी के बारे में बताएंगे कि कैसे हम लोग साइट को रिस्टोर करते हैं। तो चलिए ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। आज हमें और हमारे साथ में संजय है। ये आप देख सकते हैं कितना डेंजर रास्ता है, थोड़ा सा सावधानी हटी दुर्घटना घटी। फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपना साइड पर। ये देखिए यहाँ पे लगा हुआ है जियो का AC टावर। इधर से सीढ़ी है, ये बांस का सीढ़ी है, कुछ इस प्रकार से चढ़ना पड़ रहा है, आप देख सकते हैं। हम पहुंच गए हैं साइड पर, आप देख सकते हैं ये ऊपर में लगा हुआ UBR, इसी को चेंज करना है। और ये लेके आए, नीचे रखा हुआ है, इसको भी चेंज करेंगे। मैं तेरा से हूँ छोड़ जाऊंगा, दीजिए। ये UBR खुल गया है, इसका अब चेंज होगा। ये जो RJ45 केबल इसी में लगता है, यहाँ पे पोर्ट दिया हुआ है और इसमें लाइट जलता है। फाइनली हमारा UBR चेंज हो गया, आप देख सकते हैं अभी नाइट नट जो है उसे टाइट हो रहा है। इतना धूप है, आधा घंटा से यहाँ पे हम लोग बैठे हुए हैं, अभी तक साइड अप हुआ नहीं है। इधर आप देख सकते हैं काम हो रहा है। हाँ बोलिए, कहाँ इतना लेट हो रहा है? फिलहाल तो दोस्त काफ़ी ज़्यादा धूप है, इस धूप में काम करना बहुत ही मुश्किल हो रहा है, तो एक लैन केबल के थ्रू नीचे कनेक्ट करते हैं हम लोग और छाया में बैठ के फिर काम करते हैं। आइए आप लोग को दिखाते हैं लैपटॉप में किस प्रकार काम होता है हम लोग का। अरे दोस्त बताते हैं, सबसे पहले तो हम लोग ये जो UBR है उसका पहले सॉफ्टवेयर देखेंगे, सॉफ्टवेयर है या नहीं है। तो सॉफ्टवेयर देखने के लिए ओवरव्यू में जाते हैं। ओवरव्यू के बाद देखिए यहाँ सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर देखिए हमारा सॉफ्टवेयर अपडेट है, ये हमारा सॉफ्टवेयर है देखिए 900B। उसके बाद ये हमारा सॉफ्टवेयर जब चेक कर लेंगे सही है, फिर हम इसको कॉन्फ़िगरेशन इसका शुरू करेंगे। सबसे पहले ये सिस्टम में जाएंगे, यहाँ से होस्ट नेम चेंज करेंगे, जो भी इसमें कॉन्फ़िगरेशन करते हैं वो हमारा लिंक बजट में दिया हुआ रहता है। तो आइए लिंक बजट आप ओपन करते हैं। ये हमारा लिंक बजट खुल रहा है, इसे क्लोज कर लेते हैं। क्लोज अब देखिए इसमें हमारा यहाँ फिल्टर लगा हुआ रहता है। फिल्टर में यहाँ पे हम सर्च मारेंगे लिंक बजट में, ये हमारा साइड आईडी है CRKD OAC 51, CRKD OAC 0051। अब ये जैसे इंटर करेंगे हमारा यहाँ पे जो लिंक बजट है वो हमारा आ जाएगा। ये हमारा होस्ट नेम है, इसे हम यहाँ से कॉपी करेंगे
अल्ट प्लस टैब दबाएंगे वो पेज हमारा खुल जाएगा। यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। अभी हमारा साइट नेम यहाँ पे डालना है, साइट नेम ये है मेरा, इसको कॉपी करेंगे यहाँ पेस्ट कर देंगे। अभी हमें सेव करना है, ये हमारा सेव हो गया। ये SNMP अब हमें देखना है। ठीक है दोस्तों, कॉन्फ़िगरेशन काफ़ी लंबी होती है तो मैं एक छोटा सा दिखा दिया कि हाँ इस तरह से होती है। फाइनल कॉन्फ़िगरेशन होता है, लिंक बनता है, फिर मैं आप लोगों को बताता हूँ। हाँ दोस्त, अब देखिए ये हमारा कॉन्फ़िगर कंप्लीट हो चुका है और ये हमारा RSL बना हुआ है 53 और 56 का। एक्चुअली इतना नहीं होना चाहिए, इसके बीच में हमारा LOS आ रहा है। LOS का मतलब होता है दो लिंक के बीच में कोई पेड़ पौधा आ जाना, किसी तरह का लिंक में डिस्टर्ब होना, जिसके कारण से ये मेरा ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है। अब ये सर कंप्लीट हो चुका है हमारा। अब चलिए साइड रिस्टोर करके दिखाते हैं आपको। साइड हमारा रिस्टोर हो गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो साइड रिस्टोर होता है तो ये पूरा फास्ट ब्लिंक करता है, ये वाला जो लिंक लिखा हुआ है। ये तो SMC आप लोगों को पता ही है, इसी के थ्रू हम लोग बात करते हैं मोबाइल से। अब यहाँ से निकलते हैं दूसरे साइडों के लिए। अभी यहाँ पे गुपचुप का ठेला दिखा है, ये चलिए गुपचुप खाते हैं, उसके बाद निकलते हैं। ये है नरसा सब्जी मार्केट। कुछ इस प्रकार का सीढ़ी आप देख सकते हैं कितना डेंजर है। आज एकदम पूरा कड़ा धूप किया है जरा, आप देख सकते हैं इतना गर्मी है, पसीना छूट रहा है माथे पे पूरा। ये निरसा मेन मार्केट है। अपना साइड रिस्टोर हो गया, ये देख सकते हैं इधर सब ग्रीन हो गया है, रेड सिग्नल हट गया। ये वाला पेचकोड ये ख़राब हो गया था, इसको भी हम लोग चेंज किए। ये देखिए यहाँ पे रखा हुआ है। यहाँ पे एक होटल है, अब चलिए यहाँ पे कुछ खाना वाना खाते हैं। अभी हम लोग खाना खा रहे हैं दोस्तों, फाइनली खाना पीना हो गया है। अभी होटल के जस्ट बाहर में बैठे हुए हैं और बारिश हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रहा है तो अब यहीं पर बैठे हुए हैं। बारिश होता है दिनों में। घूमने का 2 घंटा वेट किया लेकिन पानी छूटा ही नहीं तो भिंगते भिंगते निकल चुके हैं। बहुत सारा बाइक है, उन्हें बाइक चला देखिए, यूजर का तस्वीर बना लिए हैं व्हाट्सएप पे। अभी दोस्तों फाइनली हम घर पहुंचने वाले हैं, आप देख सकते हैं अभी हम रास्ते में ही हैं और बारिश के कारण लेट भी होगी आज। तो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं फिर से एक नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।